हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पनास किचन। आज हम नवरात्रि स्पेशल माता जी को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं पनीर की रबड़ी, जो बहुत ही कम सामग्री में और जल्दी बन जाती है, जिसे गर्म या ठंडा सर्व कर सकते हैं। पनीर रबड़ी बनाने के लिए हमको चाहिए 1 लीटर दूध, आधा कप पनीर कसा हुआ, 2 बड़े चम्मच काजू, पिस्ता और बादाम बारीक कटे हुए, दूध में भिगोया हुआ केसर, इलायची पाउडर और 3 बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क। एक पैन में दूध को उबालने रखें, बीच बीच में चलाते रहें और मलाई को साइड में करते जाएं। दूध को करीब 10 से 12 मिनट तक धीमी आंच पे उबालना है, जब तक कि दूध गाढ़ा हो जाए। 10 मिनट बाद हमारा दूध गाढ़ा हो गया है, उसमें आधा कप पनीर डालें और अच्छे से मिक्स कर लें और करीब 2 मिनट के लिए फिर से उबालिए। दूध और पनीर अच्छे से मिक्स हो गया है, उसमें कंडेंस मिल्क डालिए, दूध में भिगोया हुआ केसर डालिए, इलायची पाउडर डालिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आधे काजू बादाम पिस्ता डालिए और आधे गार्निश के लिए रहने दीजिए। देखिए फ्रेंड, हमारी रबड़ी रेडी है सर्व करने के लिए। फ्रेंड्स, हमारी पनीर रबड़ी रेडी है, उसे प्लेट में सर्व करें। बारीक कटे हुए काजू बादाम पिस्ता और केसर से गार्निश करें और माता जी को भोग लगाएं। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक यू वेरी मच।